हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल नीशु मावी लॉ विद मी। आज इस वीडियो में हम डील करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के साथ, और इसमें मैं आज पूरा एक्ट ख़त्म करवा दूंगी। छोटा सा एक्ट है, 13 सेक्शंस का। तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसका नाम है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसका एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर है 32 ऑफ 1956। इसकी इन्फोर्स डेट है 25th of August 1956, और इसका प्रीएम्बल कहता है एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप अमंग हिंदूज। सेक्शन 1 इसके शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट की बात कह रहा है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। क्लॉज 2 कह रहा है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि ऐसा नहीं है, अब ये होल ऑफ द इंडिया पर लागू होता है। सेक्शन 3 इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें कि एक्ट किस पर अप्लाई होता है। क्लॉज 1 कह रहा है, टू एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन, किसी पर्सन पर जो हिंदू है बाय रिलीजन, उसका किसी भी फॉर्म में, किसी भी डेवलपमेंट में, इंक्लूडिंग अ वीर शिवा, लिंगायत और अ फॉलोवर ऑफ द ब्रह्मो, प्रार्थना या फिर आर्य समाज, इन सब पर लागू होता है। साथ ही आगे क्लॉज 2 कहता है, क्लॉज बी कहता है, टू एनी पर्सन हु इज़ बुद्धिस्ट, जो कि बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है रिलीजन से, तो उसके ऊपर भी एक्ट अप्लाई होगा। क्लॉज सी कह रहा है, टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, यानी उस पर्सन पर ये एक्ट अप्लाई होगा जिस टेरिटरीज तक ये एक्ट अप्लाई है, और उस टेरिटरी में उस पर्सन की डोमिसाइल है, तो उस पर्सन पर वो एक्ट अप्लाई होगा। साथ ही उस पर्सन पर जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है बाय रिलीजन, अनलेस, और तब तक ये अप्लाई होगा अनलेस कि यही प्रूव ना कर दिया जाए कि उस पर्सन के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा और वो पर्सन हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होगा। किसी भी कस्टम या फिर यूसेज ने ऐसा अगर बोल दिया है तो उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, कि इन पर्सन्स को माना जाएगा कि वो हिंदू हैं या बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं या सिख हैं बाय रिलीजन। फर्स्ट, कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लिस्ट में चाइल्ड हो या फिर लिस्ट में चाइल्ड, पेरेंट्स आर हिंदू, जिसके दोनों ही पेरेंट्स या तो हिंदू हों, बुद्धिस्ट हों, जैन हों, सिख हों, उनको माना जाएगा, उनका चाह होगा, उसको माना जाएगा कि वो हिंदू है, चाहे वो बच्चा लेजिटिमेट बच्चा हो या फिर इलेजिटिमेट। क्लोज 2 कह रहा है, कोई भी चाइल्ड, लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट, वन ऑफ हूज पेरेंट, जिसका जिसके जो सिर्फ एक ही पेरेंट या तो मम्मी या फिर पापा हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख हैं बाय रिलीजन, एंड हु इज़ ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच सच पेरेंट बिलोंग्स और बिलोंग्ड। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक बच्चा है, उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें से जो एक पेरेंट है या तो उसकी मम्मी या फिर पापा हिंदू हैं या फिर ये बुद्धिस्ट जैन इनमें से कोई भी है, और जो बच्चा है वो उन्हीं ने ब्रॉटअप किया है, उन्हीं ने उसका पालन पोषण किया है, तो भी माना जाएगा कि वो बच्चा हिंदू बच्चा है। आगे कह रहा है क्लॉज 3, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु इज़ कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, यानी कोई भी एक व्यक्ति जिसने पहले कन्वर्ट कर लिया है, मैंने फॉर एग्जांपल कन्वर्ट कर लिया हिंदू में और मैं फिर से मुस्लिम बन गया, मैंने फिर से कन्वर्ट कर लिया हिंदू में, यानी कन्वर्ट किया पहले और फिर रिकन्वर्ट किया हिंदू में, बुद्धिस्ट में, जैन में या फिर सिख में, तो उसको माना जाएगा कि वो एक हिंदू व्यक्ति ही है। आगे सेक्शन 4 के डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहा है। ए बात कर रहा है माइनर के बारे में, माइनर मींस अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स, यानी जिसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की वो माइनर माना जाएगा। बी कह रहा है गार्जियन, तो गार्जियन का मतलब है मींस अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ माइनर और ऑफ हिज प्रॉपर्टी और ऑफ बोथ, यानी कोई भी व्यक्ति जो माइनर की खुद की या फिर उसकी प्रॉपर्टी की या फिर दोनों की केयर करता है वो गार्जियन माना जाएगा। एंड इंक्लूड, जो इसमें कौन कौन आएंगे, फर्स्ट अ नेचुरल गार्जियन आएंगे। क्लॉज 2 कह रहा है, अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर, यानी उसकी जो एक जो माइनर है उसके माता या फिर पिता ने जो विल के द्वारा कोई गार्जियन अपॉइंट किया है वो भी एक गार्जियन माना जाएगा। साथ ही क्लॉज 3 कह रहा है, अ गार्जियन अपॉइंटेड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट ने अगर किसी को गार्जियन डिक्लेयर्ड किया है तो वो भी एक गार्जियन माना जाएगा। क्लॉज 4 कह रहा है, अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एनी इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वार्ड, यानी कोर्ट ऑफ वार्ड से रिलेटेड कहीं भी अगर उसको एम्पावर्ड किया गया है कि आप गार्जियन तरह एक्ट कीजिए, तो वो पर्सन भी एक गार्जियन ही माना जाएगा। फिर क्लॉज 3 बात करता है नेचुरल गार्जियन के बारे में, साफ साफ कह रहा है गार्जियन, नेचुरल गार्जियन मीन्स एनी ऑफ द गार्जियन मेंशन सेक्शन 6, जो सेक्शन 6 में मेंशनड है वो नेचुरल गार्जियन माने जाएंगे। आगे सेक्शन 5 बात कर रहा है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट की, ये कह रहा है एनी एक्ट रूल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूसेज पार्ट ऑफ दैट लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट
shall cease to have effect with respect to any matter for which provisions is made under this act. ये कह रहा है कि अगर कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी रूल, कोई भी इंटरप्रिटेशन है हिंदू लॉ की या फिर किसी भी कस्टम की या फिर यूसेज की, और वो इस एक्ट के आने से पहले, जस्ट उसके आने से पहले फोर्स में था, तो अब उसका जो एग्जिस्टेंस था वो सीज हो जाएगा उन मैटर्स पर जिन मैटर्स पर इस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं. साथ ही इसका क्लॉज भी कह रहा है, एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall cease to have effect in so far as it is inconsistent with any of the provisions contained in this act. कह रहा है अगर कोई भी अदर लॉ है जो इसके एक्ट इस एक्ट कमेंसमेंट से पहले इन्फोर्स में था, तो अब वो सीज हो जाएगा अगर वो इन जो इस एक्ट में मैटर्स दिए गए हैं उनके साथ इनकंसिस्टेंट साबित होता है. अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 6, जो बात करता है नेचुरल गार्जियंस ऑफ अ हिंदू माइनर, यानी जो एक हिंदू माइनर है उसके नेचुरल गार्जियंस कौन माने जाएंगे. कह रहे द नेचुरल गार्जियंस ऑफ अ हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट टू ऑफ द माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी. यानी जो नेचुरल गार्जियन होंगे, चाहे हम उसके माइनर के पर्सन के बारे में बात करें, यानी उसके खुद का कौन गार्जियन होगा एज वेल एज उसकी प्रॉपर्टी का गार्जियन कौन होगा, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग हिज और हर इनडिवाइडेड अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द ज्वाइंट फैमिली. और इसमें हम एक्सक्लूड उसको जो उसका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है उसकी ज्वाइंट फैमिली में, उसको इंक्लूड करके या फिर एक्सक्लूड करके ये लोग माने जाएंगे. ये कह रहा है इन द केस ऑफ अ बॉय और एन अनमैरिड गर्ल, अगर एक बॉय है या फिर जो एक लड़की है वो अनमैरिड गर्ल है या फिर जो लड़की है वो एक अनमैरिड लड़की है, तो उस केस में जो नेचुरल गार्जियन होंगे फर्स्टली उसके फादर होंगे, द फादर एंड आफ्टर हिम, और अगर फादर नहीं है उनके बाद उनकी मदर होंगी. प्रोविजो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ अ माइनर हु हैज नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 5 ईयर्स शेल ऑर्डिनरली बी विद मदर. यानी एक बच्चा जिसने 5 साल की उम्र पूरी नहीं की है तो उसकी जो कस्टडी होगी ऑर्डिनरली वो मदर के साथ ही होगी. यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 5 साल तक का बच्चा है या उससे कम का बच्चा है उसकी जो नेचुरल गार्जियन मान जाएंगी वो उसकी मदर मान जाएंगी. आगे क्लॉज बी कह रहा है इन केस ऑफ एन इलेजिटिमेट बॉय और एन इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल, अगर कोई बॉय या फिर गर्ल इलेजिटिमेट है और वो गर्ल अनमैरिड है, तो जो उसकी नेचुरल गार्जियन होंगी फर्स्टली मदर होंगी एंड आफ्टर हर, अगर वो नहीं है उनके बाद फिर फादर होंगे. सी कह रहा है इन केस ऑफ एन मैरिड गर्ल, अगर एक लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है तो उसके जो नेचुरल गार्जियन है उसका हस्बैंड होएगा, द हस्बैंड. प्रोविजो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, कि एक व्यक्ति उसका नेचुरल गार्जियन नहीं बन सकता एक माइनर का. कब कब ए पॉइंट कह रहा है इफ ही हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू, कि अगर वो हिंदू ही नहीं रहा. और क्लॉज बी कह रहा है इफ ही हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड बाय बिकमिंग अ हर्मिट और एन एसेटिक, यानी अगर उसने कंप्लीटली और फाइनली वर्ल्ड को ही छोड़ दिया है, वो कोई हर्मिट बन गया है या फिर एसेटिक बन गया, यति बन गया, सन्यासी बन गया है, तो अब उस पर्सन को हम माइनर के लिए एज अ गार्जियन अपॉइंट नहीं कर सकते. एक्सप्लेनेशन कह रहा है इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड अ स्टेप फादर और अ स्टेप मदर, यानी जिसमें हमने अभी फादर और मदर के ऊपर बात की है उसमें स्टेप फादर या फिर स्टेप मदर नहीं आएंगे. और इस एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है कि क्या गार्जियन जो नेचुरल गार्जियन है उनमें फादर मदर में स्टेप मदर आते हैं या नहीं. सेक्शन 7 बात कर रहे हैं नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अ अडॉप्टेड सन, यानी एक अडॉप्टेड सन है उसकी नेचुरल गार्जियनशिप कौन माने जाएंगे, कौन होंगे उसका नेचुरल गार्जियन. सेक्शन 7 कह रहा है द नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एन अडॉप्टेड सन हु इज अ माइनर, जो कि माइनर है, पासेस, वो चली जाएगी ऑन अडॉप्शन यानी अडॉप्शन होने पर टू द अडॉप्टिव फादर, सबसे पहले टू द अडॉप्टिव फादर को, एंड आफ्टर हिम, अगर वो नहीं है या उनके बाद, टू द अडॉप्टिव मदर. तो एक अडॉप्टेड सन की जो नेचुरल गार्जियन होंगे सबसे पहले उसके फादर होंगे और उसके बाद उसकी अडॉप्टिव मदर होंगी. सेक्शन 8 बात कर रहा है पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन, यानी जो नेचुरल गार्जियंस हैं उनकी क्या पावर होंगी, जिनके बारे में अभी अपने सेक्शन 6 में पढ़ा. सेक्शन 8 कह रहा है द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर हिंदू of a Hindu minor has power subject to the provisions of this section to do all the acts which are necessary or reasonable and proper for the benefit of the minor or for the realization, protection or benefit of the minor's estate. क्या कह रहा है कि natural guardian जो है एक हिंदू माइनर के पास, उनके पास सारी पावर होंगी सारे वो एक्ट करने के लिए जो माइनर के लिए, माइनर के खुद के लिए नेसेसरी है, रीजनेबल है एंड प्रॉपर है. या फिर अगर उनको लगता है कि माइनर्स का जो प्रॉपर्टी है, माइनर की जो स्टेट है, उसकी रियलाइजेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए या फिर बेनिफिट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सारे एक्ट कर सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. साथ ही कह रहा है बट द गार्जियन कैन इन नो केस बाइंड द माइनर बाय अ पर्सनल कोवेंट,
लेकिन वो माइनर को किसी भी चीज के लिए पर्सनली बाउंड नहीं कर सकते। आगे क्लॉज टू कह रहा है द नेचुरल गार्जियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी नेचुरल गार्जियन जो है बिना कोर्ट की परमिशन के ये सब चीजें नहीं कर सकते। क्या? पॉइंट वन कह रहा है मॉर्गेज और चार्ज और ट्रांसफर बाय सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, यानी जो माइनर की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, ट्रांसफर बाय सेल नहीं कर सकते, गिफ्ट में नहीं दे सकते, उसका एक्सचेंज नहीं कर सकते या फिर किसी भी और तरीके से उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते। और बी कह रहा है लीज एनी पार्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years, या फिर अगर वो उस प्रॉपर्टी को लीज पर दे रहे हैं तो वो 5 साल से ज्यादा नहीं दे सकते, या फिर फॉर अ टर्म एक्सीडिंग मोर देन 1 year बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर विल अटेन मेजोरिटी, या फिर पहला पॉइंट तो 5 साल ज्यादा नहीं दे सकते, या फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है अगर माइनर ने जब से मेजोरिटी अटेंड की है उससे जब तक 1 साल होता है उससे ज्यादा, यानी 1 साल से ज्यादा माइनर की मेजोरिटी अटेंड करने के बाद 1 साल से ज्यादा तक वो उस प्रॉपर्टी को लीज पर नहीं दे सकते। कहने का मतलब है कि अगर उनको मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करनी है तो उनको प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। क्लॉज थ्री कह रहा है एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ नेचुरल गार्जियन इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 इज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, यानी अगर नेचुरल गार्जियन ने कुछ भी ऐसा किया जो कि क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है तो हम कह सकते हैं इट वुड बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर और एनी द पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। साथ ही आगे कह रहा है नो कोर्ट शैल ग्रैंड परमिशन टू द नेचुरल गार्जियन टू डू एनी ऑफ द एक्ट्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ नेसेसिटी और फॉर द एविडेंट एडवांटेज ऑफ द माइनर, यानी सबसेक्शन 2 में जो भी नेचुरल गार्जियन कर रहे थे उसकी प्रॉपर्टी के साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ वो कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ कब कर सकते हैं जब बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी हो माइनर के लिए या फिर माइनर की एविडेंट एडवांटेज में अगर बात जा रही है तो ही वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद सेक्शन 9 बात कर रहा है टेस्टामेंट्री गार्जियंस एंड देयर पावर्स के बारे में। इसका क्लॉज 1 कह रहा है हिंदू फादर एंटाइटेड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ हिज हर ऑफ हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन में बाय विल अपॉइंट अ गार्जियन ऑफ एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन और इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी, यानी एक हिंदू फादर जो कि एंटाइटेड है कि वो नेचुरल गार्जियन का एक्ट कर सकता है, उसके पास ये पावर है कि वो अपने माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए बाय विल किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है गार्जियन, चाहे उसकी प्रॉपर्टी के लिए, चाहे माइनर के खुद के लिए या फिर दोनों के लिए, एक्सेप्ट अदर देन द अनडिवाइडेड इंटरेस्ट रेफर्ड इन सेक्शन 12, उस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट को छोड़कर जिसके बारे में सेक्शन 12 में बात की गई है वो बाकी सबके लिए अपॉइंट कर सकता है गार्जियन बाय विल। क्लॉज 2 कह रहा है An appointment made under subsection 1 shall have no effect if the father predeceases the mother, but shall revive if the mother dies without appointing by will any person as guardian. कह रहा है जो subsection 1 में ऊपर father ने जो by will एक person को appoint किया था उसका कोई भी effect नहीं होगा अगर जो father है वो predeceases the mother, अगर वो mother से पहले उनकी death हो जाती है, but shall revive if the mother dies, लेकिन अगर मदर की डेथ हो जाती है और मदर ने अब कोई विल नहीं बनाई है तो जो पुरानी वाली विल है वो फिर से इफेक्ट में आ जाएगी। कहने का मतलब है सबसेक्शन 1 में फादर ने कोई विल बनाई उसके द्वारा एक गार्जियन अपॉइंट कर दिया और अब जो फादर है उनकी डेथ मदर से पहले हो जाती है तो वो विल का कोई भी इफेक्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर जो मदर अभी जिंदा है वो मदर मर जाती है और उन्होंने अभी तक कोई भी विल के द्वारा किसी गार्जियन को अपॉइंट नहीं किया है तो अब वही विल फिर से इफेक्ट में आ जाएगी जो फादर ने विल बनाई थी, सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है। सबसेक्शन 3 कह रहा है अ हिंदू विडो इंटाइटेड टू एक्ट एज अ गार्जियन नेचुरल गार्जियन ऑफ हर माइनर एस्टिमेट चिल्ड्रन एंड अ हिंदू मदर इंटाइटेड टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ हर माइनर एस्टिमेट चिल्ड्रन बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट द फादर हैज बिकम डिस इंटाइटेड टू एक्ट एज सच मे बाय विल अपॉइंट अ गार्जियन फॉर एनी ऑफ देम इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन और इन द रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी। वही बात कर रहा है कि जो हिंदू विडो मदर है उसके पास भी ये राइट है अगर जो फादर है वो डिसइंटाइटेड हो गया है यानी फादर ने कोई विल नहीं बनाई है तो हिंदू विडो के पास ये राइट है कि वो बाय विल अपने जो माइनर चिल्ड्रन है माइनर पर्सन है माइनर जो है उसके माइनर के पर्सन के लिए या फिर माइनर की प्रॉपर्टी के लिए फिर दोनों के लिए बाय विल किसी पर्सन को एज अ गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। आगे क्लॉज 5 कह रहा है द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल हैज द राइट टू एक्ट एज द माइनर्स गार्जियन आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर्स फादर और मदर, यानी जो गार्जियन अपॉइंट किए गए हैं बाय विल उनके पास राइट है कि वो अब माइनर के गार्जियन की तरह एक्ट करें, लेकिन वो भी कब, जब उसके माइनर के फादर और मदर की डेथ हो जाए।
एज द केस में भी, मतलब चाहे मदर की या फिर फादर की, टू एक्सरसाइज ऑल द राइट्स ऑफ द नेचुरल गार्जियन. उनके पास ये राइट आ जाता है कि वो सारे राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि एक नेचुरल गार्जियन के पास होते हैं अंडर दिस एक्ट, टू सच एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस, उस एक्सटेंट तक और उन रिस्ट्रिक्शंस तक जो भी इस एक्ट में मेंशन है या फिर जो भी विल में मेंशन है उन रिस्ट्रिक्शंस तक. क्लॉज 6 कह रहा है द राइट ऑफ द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल शैल वेयर द माइनर इज अ गर्ल सीज ऑन हर मैरिज, यानी जो भी गार्जियन अपॉइंट किए हैं बाय विल उनका जो राइट है वो खत्म हो जाएगा अगर जो एक लड़की है, जो एक लड़की अनमैरिड थी उसकी शादी हो जाती है तो उसकी शादी होने पर उनके सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं. सेक्शन 10 कह रहा है इनकेपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जो एक माइनर है ही और शी शैल बी इनकॉम्पिटेंट, मतलब वो इनकॉम्पिटेंट होगा टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर, किसी भी माइनर की प्रॉपर्टी के लिए उसको गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता. सेक्शन 10 इसके बारे में बात करता है. सेक्शन 11 बात करता है डिफेक्टो गार्जियन के बारे में कि डिफेक्टो गार्जियन कौन होते हैं, और ये कह रहा है डिफेक्टो गार्जियन जो हैं वो माइनर की प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं कर सकते. तो डिफेक्टो गार्जियन अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में जाने तो वो सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन होते हैं, इनको कोई अपॉइंट नहीं करता. हम कह सकते हैं कि अगर जो भी उस माइनर के नेचुरल गार्जियन होते हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो कोई भी पर्सन जो उस माइनर की या फिर उसके माइनर की प्रॉपर्टी की ध्यान रखता है, उसकी नेसेसिटी के लिए उसकी नेसेसिटीज फुलफिल करता है, तो वो एक डिफेक्टो गार्जियन बन जाता है. तो सेक्शन 11 कह रहा है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के आने के बाद नो पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ और डील विद, यानी कोई भी पर्सन इंटाइटल्ड नहीं है ना वो डिस्पोज ऑफ करेगा ना ही डील करेगा विद द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू माइनर, एक हिंदू माइनर की प्रॉपर्टी के साथ मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट, सिर्फ इसी ग्राउंड पर, क्योंकि वो उसका कौन लगता है डिफेक्टो गार्जियन लगता है. यानी सेक्शन 11 इस बारे में मना करता है कि एक व्यक्ति जस्ट बीइंग अ डिफेक्टो गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं करेगा. आगे सेक्शन 12 कह रहा है गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, यानी अगर कोई माइनर की प्रॉपर्टी है जिसका उसमें अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है और वो एक जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है तो उसके लिए गार्जियन अपॉइंट नहीं किया सकता. आगे कह रहा है वेयर अ माइनर हैज एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एन एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी एक माइनर का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में और वो प्रॉपर्टी एक जो जो भी वहाँ के एडल्ट मेंबर है उन्होंने उनके मैनेजमेंट के अंदर आती है, तो अब यहाँ के लिए नो गार्जियन शुड बी अपॉइंटेड, उसके लिए कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता फॉर द माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, उस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए कोई भी गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता. आगे कह रहा है provided that nothing in this section shall deemed to affect the jurisdiction of a high court to appoint a guardian in respect of such interest, yani isme kuch bhi aisa nahi hai jo high court ke jurisdiction ko affect karta ho, jo yani aap kehne ka matlab saaf saaf ye hai ki high court ke paas ye power hai ki wo abhi bhi guardian appoint kar sakta hai aur is section mein kuch bhi aisa nahi hai jo high court ki power ko affect karta ho. section 13 jo ki is act ka last section hai aur bahut important section bhi hai, keh raha hai welfare of the minor to be paramount consideration, yani jo minor ka welfare hai ही सर्वोपरि होना चाहिए, यानी जब कोर्ट कोई भी गार्जियन अपॉइंट कर रही हो या किसी भी तरह से अगर गार्जियन अपॉइंट हो रहे हैं तो सिर्फ उसमें ये देखा जाए कि क्या उसमें माइनर को बेनिफिट होगा या नहीं. सेक्शन 13 कह रहा है इन द अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर बाय द कोर्ट, जब कोर्ट किसी भी पर्सन को हिंदू माइनर का जो है गार्जियन अपॉइंट कर रही हो फिर डिक्लेयर कर रही हो तो द वेलफेयर ऑफ द माइनर शैल बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन, यानी उसका वेलफेयर ही सर्वोपरि होना चाहिए. क्लॉज 2 कह रहा है नो पर्सन शैल बी इंटरडिक्ट टू बी गार्जियनशिप बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू गार्जियनशिप इन मैरिज अमंग हिंदूज If the court is of opinion that his or her guardianship will not be for the welfare of the minor, यानी क्लॉज 2 कह रहा है कि किसी भी पर्सन को इसी बेस पर गार्जियन नहीं अपॉइंट किया जाएगा कि यहाँ पे इस एक्ट के प्रोविजन ऐसा कह रहे हैं फिर कोई लॉ ऐसा कह रहा है. कहने का मतलब यह है कि अगर कोर्ट की ओपिनियन है कि एक पर्सन को अगर हम अपॉइंट करते हैं तो वो माइनर के बेनिफिट में नहीं होगा तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ का लॉ या फिर कोई एक्ट क्या कहता है, यानी कहने का मतलब है सिर्फ वही वेलफेयर ऑफ द माइनर टू बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन. आई होप कि आपको पूरा एक समझ में आ गया हो, अगर समझ में आया हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.